BSF ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਾਰਡਰ ਆਊਟ ਪੋਸਟ ਚੋਤਰਾ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। BSF ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ DIG ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 3:30 ਵਜੇ BSF ਦੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹਲਚਲ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦਿਆਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਚ ਦੌਰਾਨ 22 ਪੈਕੇਟ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 90 ਰੌਂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੇਡ, 2 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, 1 ਵਾਈਫਾਈ ਕੁਨੈਕਟਰ ਅਤੇ 4 ਬੂਟ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। DGI ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 121 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। कोई 3:50 के करीब हमारे जवान जो फेंसिंग पे तैनात था उसको कुछ सस्पिशियस मूवमेंट दिखाई दिया, कुछ आवाज़ें आई तो अलर्ट हो गया, तो क्योंकि थोड़ी विजिबिलिटी कम थी, धुंध थी तो क्लियर दिख नहीं रहा था, लेकिन उसने जाके अपने जो एरिया में जाके उसने देखा तो उसको कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी दिखी, तो जैसे ही दिखी उसने साथ के साथ वहाँ फायर भी किया है, और फायर करने के बाद वो क्योंकि धुंध थी तो उसके बाद वो शायद भागने में सफल रहे होंगे, लेकिन जब उसके बाद वहाँ चेकिंग करी तो देखा गया कि भारी मात्रा में हेरोइन, कुछ एम्युनिशन, पिस्टल के 2 मैगजीन, उनके मोबाइल्स, एक वाईफाई कनेक्टर, इस तरह की जो है चीज़ें बरामद हुई हैं। ये हमेशा से ये स्मगलर्स की और एंटी नेशनल जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी ये कोशिश रहती है कि जब फॉग ज़्यादा होती है वो इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसा आपने देखा होगा BSF हमेशा हर समय मुस्तैद रहती है, अलर्ट रहती है, और मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ी साजिश को हमने नाकाम किया है। इस तरह मैं अपने BSF के ऑफिसर और जवानों को बधाई देता हूं। सर, उधर से और इधर से अगर बात की जाए तो उधर कितने लोग थे, इधर कितने लोग थे? देखिए, कल रात तो अंधेरा था और फॉग बहुत ज़्यादा थी तो इतना कोई क्लियर विजिबल नहीं हुआ, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उस तरफ 2 लोग थे और अपने इंडियन साइड में 1 आदमी था। 4 राउंड फायर हुए। देखिए, ये इंटरनेशनल मार्केट में तो इसकी प्राइस 1 kg की 5 करोड़ है, तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि 22 kg का कितना होगा। सर, जो इस तरफ का था उसको अभी ढूंढने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल की जा रही है, और हम ये केस है ये पुलिस को हैंड ओवर कर रहे हैं। SSP साहब आए हुए हैं और इसको ढूंढेंगे, मोबाइल भी हमारे जो मिले हैं वो भी हम उनको देंगे, और मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी जो यहाँ के अपने इंडियन साइड के जो अपराधी हैं वो बेनकाब होंगे। जितना भी सामान मिला है इंडियन साइड में फेंसिंग के इस पार मिला है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, जो फोन है वो इंडियन ही है सर? फोन का भी कह नहीं सकते, फोन तो फॉरेन मेड होते हैं, अभी लॉक्ड हैं, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, वो बताएंगे क्या क्या। हाँ जी, हाँ जी, पाकिस्तान ऑर्डनेंस फैक्ट्री की वो सब बॉक्स है और उन्हीं के बनाए हुए वो हैं, 90 राउंड है, पाकिस्तान का। ये जो जूते मिले सर, ये तो इंडियन, ये अभी कहा नहीं जा सकता, तो ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है, वो पता चलेगा। इस दौरान जितने भी जवान वहाँ तैनात रहे जिनके द्वारा ये सारा किया गया, उनको कुछ? बिल्कुल श्योर, तो BSF हमेशा ही इनको प्रोत्साहित करती है, मोटिवेट करती है, इनको रिवार्ड दिया जाएगा। सर, कहा जाता है लेकिन 2014 के बाद कभी जितने भी अभी ऐसे हुए हैं केस, उसमें किसी भी जवान को कोई अवार्ड नहीं दिया गया, कोई इनाम नहीं दिया गया? नहीं, बिल्कुल दिया जाता है, मैं तो साथ के साथ रिवार्ड देता हूँ। हमारे IG साहब भी अभी यहाँ से गए हैं, उन्होंने भी इसको DG कमेंडेशन इसके लिए रिकमेंड किया है जवानों को, तो ये BSF में इस तरह का नहीं होता, BSF में साथ के साथ रिवार्ड होता है। हमारे IG साहब ने इन्फॉर्म किया है कि ये तो हमारे गुरदासपुर सेक्टर की बात हुई, अमृतसर सेक्टर में भी कल 13 किलोग्राम और फिरोजपुर में 3 किलोग्राम ये हीरोइन बरामद हुई है, तो कुल मिला के कल के दिन में काफ़ी सक्सेस हुई है BSF को। कहाँ?
हमारे नहीं, वो सस्पिशन मूवमेंट पे एक फायरिंग हुई थी हमारे 12 बटालियन के उसमें, लेकिन कुछ ये भोरवाडाला पोस्ट थी, लेकिन कुछ मिला नहीं है, क्योंकि अभी जवान अलर्ट रहते हैं, तो थोड़ा सा भी सस्पिशन मूवमेंट होने के साथ उनको ऑर्डर है फायरिंग में शूट करने के लिए। ये फॉग के चलते सर सारा चलता है, फॉग में उनको थोड़ा सहूलियत होती है, तो विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, तो इसका वो फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। गुरदासपुर तो अवतार सिंह की रिपोर्ट।